इस तरह के चुनाव परिणाम की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, नगीना में जो चुनाव हुए हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ ना भविष्यवाणी करता हूँ, मैं अपनी मेहनत पे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों की मेहनत पे आपको भरोसा दिला कहता हूँ कि हम कम से कम 1 लाख के अंतर से वो चुनाव लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। और वही नहीं, जिन सीटों पे हम लड़े हैं हमने बहुत ईमानदार से मेहनत की है पिछले 3 साल में। 2022 का चुनाव हारने के बाद हमने ये तय कर लिया था कि हमें इस अपमान को सम्मान में बदलना है, तो हमने जन समर्थन अपने पक्ष में करने के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम संघर्ष किया। 69 शिक्षक भर्ती भी उसमें ही है, पुलिस भर्ती भी उसमें ही है, अग्निवीर का मामला भी उसमें ही है, और जो हाथरस से लेकर, और अब हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है कि 2 अप्रैल जैसे झूठे मुकदमे लगा के जिस तरह से सरकार ने जुल्म किया दलितों पे, और जो आज धर्म जाति के आधार पे मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे जो जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम उनकी मजबूत आवाज बने। मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, मुजफ्फरनगर एक कोर्ट में पैसे के दौरान पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन फिर भी हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर यह दावा कर रहे हैं कि नगीना की सीट हम 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना को लेकर